बिहार जदयू के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता नीरज कुमार ने नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। नीरज कुमार ने कहा कि 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की ओर से नौकरी के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को अधिग्रहित कर अनाथालय और विधवा आश्रम खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के नाम पर सिर्फ पटना में 43 बीघा और 12 कट्टा जमीन है, 4,86,00,000 का संपत्ति यहाँ से आया। लालू प्रसाद कहते हैं कि आरक्षण पर खतरा है, उसी संविधान ने आपको सजायाफ्ता बनाया और तेजस्वी यादव को 420 का आरोपी बनाया। उन्होंने कहा कि नालंदा से माले को उम्मीदवार बनाया गया है, इसी माले के कार्यकर्ताओं की लालू के राज में हत्या हुई थी और आज उसी लालू जी के साथ माले पार्टी है। अब माननीय लालू प्रसाद जी को संविधान खतरा में लग रहा है। अरे संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसी संविधान ने लालू जी आपको आज सजायाफ्ता घोषित कर दिया। आप सजायाफ्ता हुए न्यायपालिका के द्वारा, आपके बेटा तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी हुए और माननीय लालू प्रसाद जी आप संविधान पर खतरे की बात करते हैं तो आपके लिए यह पिछड़ा वर्ग, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक संदेश है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार के 9 जमींदार हैं। लालू प्रसाद के पास आज उनके परिवार के पास केवल पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है, 486 करोड़ की संपत्ति वर्तमान क्रय विक्रय मूल्य में अगर रखिएगा तो लालू यादव आपको अपनी संपत्ति की का खतरा लग रहा है।